We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. शेर आया, लेकिन किसने देखा पता नहीं। यह कहावत दो तीन दिनों से सागर जिले के जड़ुआ खेड़ा में लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई थी। वजह थी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये फर्जी वीडियो। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं। दरअसल सागर उत्तर वन मंडल के खुरई रेंज अंतर्गत वन चौकी जड़ुआ खेड़ा के वन परिक्षेत्र आरएफ 70 में शेर होने की खबर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया, जिसे आसपास के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कहा जा रहा था कि रेलवे की नाइट पेट्रोलिंग कर रहे कर्मचारियों ने टॉर्च के उजाले में शेर को किसी जंगली जानवर का शिकार ले जाते हुए देखा है। जब वायरल वीडियो और जंगल में शेर होने की खबर वन विभाग को दी गई, तब वनपाल हरपाल सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे, जहां गुराह नाम के जंगली जानवर के खून के साथ रोम और दूर तक घसीटने के निशान मिले, जबकि वन अमले ने किसी प्रकार के शेर होने की कोई पुष्टि नहीं की है। जब वायरल वीडियो की पड़ताल हमने की, तो शेर के जिस वीडियो को घटना से जोड़ा जा रहा है, वह वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी निकला। दरअसल इस वीडियो को 5 अक्टूबर 2020 को YouTube पर अपलोड किया गया था, जिसे कुछ शरारती लोगों द्वारा डाउनलोड कर जड़ुआ खेड़ा के जंगलों में शेर होने की घटना से जोड़ दिया गया। मैं हरपाल सिंह राजपूत, वनपाल परिषद सहायक जड़ुआ खेड़ा। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो किसी शरारती लड़के के द्वारा किया गया है। उस नस्ल के यहाँ कोई वन्य प्राणी है नहीं, वो शेर। बाकी जो ये शिकार वकार किया है, किसी कमज़ोर जानवर को, जंगली जानवर को किसी जानवर ने खाया है, वो घायल किया है। तो जंगली जानवर हैं, लड़िया, लकड़बग्गा, तेंदुआ वगैरह, यहाँ बहुत से जानवर हैं। उसकी जांच चल रही है, कौन सा देख रहा है, पत्थर के हैं जिसमें पग चिन्ह नहीं मिले, पत्थर वगैरह हैं, अब देखेंगे कौन सा जानवर है। बाकी किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि इस तरीके का जानवर। और फिर उनका घर है, जंगली जानवर है, उनका शेर होगा, जंगल तो उनका घर है, इसमें जाने की किसी को जरूरत ही नहीं, किसी नुकसान पहुंचाने की। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.